खबर रफ्तार के साथ। आज जवानों के साथ दिवाली मनाएंगे पीएम मोदी। राजौरी के नौसेरा सेक्टर पर तैनात जवानों के साथ दिवाली मनाएंगे पीएम। पिछले साल भी पीएम मोदी ने जवानों के साथ मनाई थी दिवाली। लोंगेवाला बॉर्डर पर जाकर जवानों को खिलाई थी मिठाई। अयोध्या में सीएम योगी का विपक्ष पर जोरदार हमला। कहा, गोलियां चलाने वाले आपके आगे झुक गए। दिवाली मनाना अयोध्या की देन। सीएम योगी ने कहा, 2 नवंबर 1990 को राम भक्तों पर गोली चलाई गई थी, अब फूलों की वर्षा होती है। राम सबको जोड़ते हैं, वही राम की ताकत है। सीएम योगी ने कहा, पहले पैसा कब्रिस्तान में खर्च होता था, अब मंदिरों के निर्माण में होता है। पहले जय श्री राम बोलना अपराध होता था। सीएम योगी ने कहा, पूरे देश में आज मुफ्त वैक्सीन लगाई जा रही है। राम राज्य की परिकल्पना साकार हो रही है। होली तक राशन फ्री दिया जाएगा। भगवान राम के अयोध्या आगमन से खुशी में दीपोत्सव। करीब 12 लाख दियों से जगमगाई रामनगरी अयोध्या। अयोध्या में 12 लाख दिए जलाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। राम जन्मभूमि परिसर में 51,000 दिए जलाए गए। दीपोत्सव कार्यक्रम में 12 लाख दिए जलाने के लिए 36 लाख लीटर सरसों तेल का इस्तेमाल। राम की पैड़ी में 9 लाख दिए जलाए गए। अयोध्या में सरयू घाट पर लेजर शो का आयोजन किया गया। रोशनी से जगमग हुआ अयोध्या। लेजर शो में दिखी रामराज की झलक। अयोध्या के नया घाट पर आतिशबाजी की गई। दिल्ली में दिवाली के अवसर पर बंगला साहिब गुरुद्वारे को लाइटों से सजाया गया। रोशनी से जगमग हुआ बंगला साहिब। उत्तराखंड, दिवाली के मौके पर उत्तराखंड में केदारनाथ मंदिर को सजाया गया। 8 क्विंटल गेंदे के फूलों से सजाया गया मंदिर। दिवाली के मौके पर गुजरात के गांधीनगर में अक्षरधाम मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया। अक्षरधाम मंदिर को 10,000 दियों से रोशन किया गया। दिवाली पर हरियाणा सरकार का चारों पावर यूटिलिटी को स्थायी और अस्थायी कर्मचारियों को बंपर तोहफा। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने किया 1500 रुपए के बोनस देने का ऐलान। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने प्रदेशवासियों से अपील की, कोविड नियमों का ख्याल रखते हुए मनाएं दिवाली। दिवाली पर झारखंड के रांची में सजे बाजार। मिठाइयों की दुकानों पर लगी ग्राहकों की भीड़। लोगों ने जमकर की खरीदारी। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि पर हुआ दीपदान। कड़ी तादाद में भक्तों ने जलाए दीप। दीपों से रोशन हुई कान्हा की नगरी। देहरादून, उत्तराखंड की बीजेपी मुख्यालय में मनाया गया दिवाली का जश्न। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। बालाकोट एयर स्ट्राइक के हीरो अभिनंदन का प्रमोशन। एयरफोर्स के अभिनंदन वर्धमान को ग्रुप कैप्टन बनाया गया। दिवाली पर मोदी सरकार का बड़ा तोहफा। पेट्रोल डीजल की एक्साइज ड्यूटी घटाई। देश में पेट्रोल की कीमत 5 रुपए जबकि डीजल की कीमत 10 रुपए घटी। महंगाई पर मोदी सरकार ने जनता को दी राहत। डीजल पेट्रोल की कीमतों की कमी पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट करके कहा, आम आदमी की जेब पर पड़ने वाला बोझ अब कम होगा। दिल्ली में पेट्रोल की नई कीमत अब घटकर 105 रुपए, वहीं डीजल की नई कीमत 88 रुपए 42 पैसे प्रति लीटर हुई। केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद 8 राज्यों ने भी पेट्रोल डीजल के दामों को घटाया। असम सरकार ने वैट में 7 रुपए कम करने की घोषणा की। त्रिपुरा के सीएम विप्लव कुमार देव ने भी पेट्रोल और डीजल में 7 रुपए कम करने की घोषणा की। पेट्रोल डीजल के दाम घटने पर कांग्रेस ने सरकार से पूछे सवाल, 2014 के मुकाबले दाम कम कब करेंगे। दिवाली से पहले फूलों से सजा बाबा केदारधाम। रंग बिरंगी लाइटों से अद्भुत अलौकिक नजारा नजर आया। महाराष्ट्र में 100 करोड़ वसूली मामले में अनिल देशमुख को मिल सकती है राहत। मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह ने कहा, मेरे पास और सबूत नहीं है। जम्मू कश्मीर दौरे पर सेना प्रमुख जनरल नरवणे। राजौरी में एलओसी पर अग्रिम चौकियों का किया निरीक्षण। सैनिकों से मुलाकात करके हौसला अफजाई। दिवाली को लेकर चारों तरफ जबरदस्त रौनक। मुंबई सीएसटी में की गई खास लाइटिंग, वहीं बीएमसी मुख्यालय पर भी आकर्षक लाइटिंग की गई। अखिलेश यादव और शिवपाल में बन गई बात। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, पीएसपीएल के होगा गठबंधन। चाचा शिवपाल को मिलेगा पूरा सम्मान। अखिलेश यादव ने कहा, जल्द शिवपाल की पार्टी के से होगा गठबंधन। नेताजी के जन्मदिन से पहले गठबंधन करेंगे। यूपी के बुलंदशहर में खुर्जा के एक अस्पताल में एक मासूम की मौत के बाद हंगामा। परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप। यूपी के आगरा में सोने से बनी मिठाई बनी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र। 30,000 रुपए किलो है मिठाई की कीमत। दिवाली में भारत के लिए अच्छी खबर। डब्ल्यूएचओ ने कोवैक्सीन को दी मंजूरी। डब्ल्यूएचओ टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ने सिफारिश की थी।
कोवैक्सीन के लिए पीएम मोदी ने की थी पहल। भारत बायोटेक को काफी लंबे वक्त से कोवैक्सीन को WHO की मंजूरी मिलने का था इंतजार। अमेरिका में 5 से 11 साल के बच्चों को 8 नवंबर से लगेगी वैक्सीन। फाइजर के टीके को मिली मंजूरी। देश में घटी कोरोना की रफ्तार। पिछले 24 घंटे में आए 11,903 नए मामले। 14,159 लोग ठीक होकर वापस अपने घर लौटे। कई राज्यों में डेंगू के बढ़ते संकट पर केंद्र सरकार का अलर्ट। 9 प्रभावित राज्यों में भेजी गई एक्सपर्ट टीम। नीतीश कैबिनेट की बैठक में कुल 24 एजेंडों पर लगी मुहर। सरकारी सेवकों और पेंशन भोगियों को मिला दिवाली का तोहफा। 3% बढ़ा डीए। बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र पर भी मुहर। पीएम के वैक्सीनेशन संवाद पर झारखंड में सियासत तेज। बीजेपी ने टीकाकरण की सुस्त रफ्तार पर उठाए सवाल तो सत्ता पक्ष ने किया पलटवार। खत्म हुआ रांची के मोरहाबादी मैदान में सहायक पुलिसकर्मियों का आंदोलन। 37 दिनों में मोरहाबादी मैदान में दे रहे हैं धरना। मांग पूरी करने के लिए गठित की गई टीम। धनबाद के राम अवतार आउटसोर्सिंग में घमासान। ढुल्लू महतो ने कारू यादव के समर्थकों के बीच हुई झड़प। एक गुट ने दूसरे गुट को काम करने से रोका। समस्तीपुर में पुलिस कस्टडी में सफाईकर्मी की पिटाई मामले में रौसा थाना क्षेत्र में हंगामा। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे लोगों ने की तोड़फोड़। कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया। गोपालगंज में शराब पीने के बाद 5 लोगों की मौत के बाद हड़कंप। अस्पताल में भर्ती 3 लोगों की हालत गंभीर। जहरीली शराब से मौत की आशंका। जहानाबाद में निलंबित DT अजय कुमार ठाकुर ने 3 ठिकानों पर छापेमारी की। आय से अधिक संपत्ति मामले में निगरानी टीम ने छापेमारी की। लाखों रुपए के जेवरात, लॉकर, अलग अलग राज्यों से जमीन के कागजात भी बरामद। चतरा में अपराध की योजना बना रहे अपराधियों पर पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए एक साथ आरोपी को किया गिरफ्तार। भागलपुर में आत्महत्या करने के लिए लड़की नदी में कूदी। आसपास के लोगों ने नदी में कूदकर लड़की की जान बचाई। धनबाद की रेल कॉलोनी में केबल की तार चोरी करते हुए पकड़ा गया चोर। लोगों ने चोर को पुलिस के हवाले किया। पाकुड़ में झाड़ियों से मिली नवजात बच्ची। मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्ची को कब्जे में लिया और मामले की जांच में पुलिस चुकी। रोहतास के SP आशीष भारती ने दिवाली के मौके पर सासाराम के में फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान नगर थाना क्षेत्र की पुलिस उनके साथ रही। पटना में करंट लगने से 2 युवतियों की मौत। घर में साफ सफाई के दौरान हुआ हादसा। बाढ़ में ट्रैक्टर ने मारी बाइक को टक्कर। हादसे में एक ही परिवार के 2 लोगों की मौत। आरा के कोयलावर थाना क्षेत्र के थाना रोड में सोना चांदी व्यवसायी से लूट। बाइक की डिक्की में रखे हुए लगभग 10 लाख रुपए के सोने चांदी के गहने लूटकर अपराधी मौके से फरार। नवादा जिले के नेमदारगंज मोड़ के पास वाहन जांच के दौरान पुलिस ने उत्पाद विभाग की टीम से भारी मात्रा में छापेमारी करते हुए शराब को बरामद किया। मौके से तस्कर भी गिरफ्तार। गिरिडीह में चंद मिनटों में जमींदोज हुई पानी की टंकी। बाल बाल बच्चे मौके पर मौजूद। लोग बनियाडी इलाके में लगातार हो रही हैं भूत हसान की घटनाएं। बेगूसराय में नदी में डूबकर एक किशोर की हुई मौत। फुलवरिया थाना क्षेत्र का मामला। गुमला पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने गांजे के साथ 4 लोगों को किया गिरफ्तार। जमुई में बछड़े को बचाने को लेकर बाइक अनियंत्रित हो गई। हादसे में बाइक सवार दोनों लोग घायल हो गए। जमुई में तेज रफ्तार ऑटो पलटा। हादसे में 3 लोग जख्मी जबकि 1 की हुई मौत। बेतिया पुलिस ने एक रेस्टोरेंट में मारी छापा। छापेमारी के दौरान 14 जुआरी गिरफ्तार। लगभग 6 लाख रुपए भी बरामद। सहरसा में आपसी विवाद में 2 पक्ष में आपस में भिड़े। एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के लोगों पर जमकर बरसाई गोलियां। नवादा में पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान भारी मात्रा में शराब को बरामद किया। एक आरोपी गिरफ्तार। बाढ़ दानापुर झाझा रेलखंड पर हाई वोल्टेज तार टूटकर गिरा। 3 घंटे रेलवे लाइन बाधित रही। रांची में CCL ने सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया। कार्यक्रम को लेकर लोगों में भ्रष्टाचार के विरोध में जागरूक किया। देवघर अस्पताल में सिविल सर्जन कार्यालय में जमकर हंगामा हुआ। अस्पताल में ANM, GNM और वार्ड बॉय ने प्रदर्शन किया। धनबाद में जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष विजेंद्र प्रसाद ने की। कुटी के डालसा सभागार में महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम में महिलाओं को कानून के प्रति जागरूक किया गया। धनबाद में 26 सूत्री मांगों को लेकर झारखंड विस्थापित संघर्ष मोर्चा 7 नवंबर को करेगा धरना प्रदर्शन। आंदोलन की सभी वामपंथी पार्टियों समेत 25 संगठनों ने अपनी सहभागिता सुनिश्चित की। बेतिया के योगापट्टी के अभिनव कुमार ने प्रथम प्रयास में नीट परीक्षा में सफलता हासिल की। 645 अंक लाकर अभिनव ने नाम रोशन किया। खूंटी में रोमन कैथोलिक ने अनुयायियों ने पूर्वजों की याद में ऑल शॉल डे मनाया। रोमन कैथोलिक समुदाय के लोगों ने अपने पूर्वजों की मोक्ष के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। कोडरमा पहुंची केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान इमरजेंसी वार्ड के अलावा रजिस्ट्रेशन काउंटर, माइनर ऑटो और इसके अलावा फार्मेसी का भी निरीक्षण किया।
गिरिडीह जिला मुख्यालय से 80 किलोमीटर दूर लक्ष्मी बथान गांव में आज भी विकास से कोसों दूर है। यहां पर ग्रामीणों के लिए आज भी पक्की सड़क का निर्माण नहीं हो पाया है। बोकारो में नमामि गंगे योजना के अंतर्गत गंगा उत्सव के तहत पेटरवार प्रखंड के तेलुघाट डैम परिसर में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पटना में आस्था के महापर्व छठ की तैयारियां तेज। सीएम नीतीश कुमार ने लिया छठ घाटों का जायजा। अधिकारियों को दिए तमाम निर्देश। देर रात तक मंत्रियों और विधायकों के साथ सीएम चन्नी ने किया मंथन। कहा फिर से हो रही प्रशांत किशोर को जोड़ने की कोशिश। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस पार्टी को दिया इस्तीफा। अमरिंदर सिंह ने सोनिया गांधी को इस्तीफा भेजा। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सिद्धू के अध्यक्ष बनने पर जताई चिंता। लिखा कांग्रेस को एक दिन पछताना होगा। ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। एल नाबादा उपचुनाव के नतीजे पर घोष चर्चा की गई। धनबाद में राम के अवतार आउटसोर्सिंग में घमासान। दो नेताओं के बीच जमकर हुई झड़प। एक गुट ने दूसरे गुट पर जमकर किया हमला। गिरिडीह में चंद मिनटों में जमीदों से पानी की टंकी। बाल बाल बचे मौके पर मौजूद। हरियाणा के गुरुग्राम में जीजा ने साले के बच्चों को जिंदा जलाया। एक बच्चे को झुलसने से हुई मौत। दो जबकि गंभीर रूप से घायल। हरियाणा के सोनीपत रेलवे स्टेशन पर जीआरपी और आरपीएफ ने बढ़ाई चौकसी। यात्रियों के सामान की बारीकी से हो रही है जांच। झारखंड में जेपीएससी के परीक्षा का रिजल्ट जारी होने के बाद चढ़ा सियासी पारा। विपक्ष ने रिजल्ट में गड़बड़ी का लगाया आरोप। टीम इंडिया के हेड कोच होंगे राहुल द्रविड़। न्यूजीलैंड दौरे को की संभालेंगे कमान। राहुल द्रविड़ ने कहा हेड कोच बनना सम्मान की बात। टीम इंडिया ने अफगानिस्तान को 66 रनों से हराया। सेमीफाइनल के लिए उम्मीद हुई बरकरार। भारत ने अफगानिस्तान को दिया 211 रन हासिल करने का लक्ष्य। रोहित शर्मा ने 74 और केएल राहुल ने 69 रनों का शानदार पारी खेली। मार्टिन गुप्टिल की धमाकेदार पारी के दम पर न्यूजीलैंड ने स्कॉटलैंड को 16 रनों से हराया। न्यूजीलैंड की जीत से भारत में थोड़ी सी परेशानी बढ़ी। बीसीसीआई को कपिल देव की नसीहत। कहा टीम को है यंग ब्लड की जरूरत। बड़े खिलाड़ी अच्छा नहीं तो कर रहे उन्हें निकालें। कोहली का बैड लक जारी। टी20 वर्ल्ड कप में तीनों टॉस हारे। सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़। लोगों ने विराट की टेंशन भरी तस्वीरें डाली। आधार कार्ड के दुरुपयोग को रोकने के लिए सरकार का बड़ा फैसला। उल्लंघन करने पर 1 करोड़ रुपए तक का लगेगा जुर्माना। रिटेल लोन की मांग बढ़ाने पर एसबीआई को हुआ फायदा। सितंबर तिमाही को एसबीआई को 7,627 करोड़ रुपए का मुनाफा। त्यौहार के मौके पर क्रेडिट कार्ड की डिमांड बढ़ी। आईसीआईसीआई बैंक की सबसे ज्यादा ग्रोथ तो एचडीएफसी बैंक रहा दूसरे नंबर पर। व्हाट्सएप में आ रहा है आपके काम का अपडेट। जब मर्जी तब डिलीट कर पाएंगे सेंड किए गए मैसेज। डिलीट फॉर एवरीवन फीचर की टाइम लिमिट खत्म हो गई। पंजाब नेशनल बैंक ने सस्ता किया होम लोन। कर्ज पर ब्याज दर 6.55% घटाकर 6.50% किया। कर्नाटक के बेंगलुरु एयरपोर्ट पर एक्टर विजय सेतुपति पर झपटा को पैसेंजर। शराब के नशे में एक्टर के असिस्टेंट से हुई बहस। विद्युत जम्वाल की फिल्म सनक ने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर बनाया रिकॉर्ड। एक्टर विद्युत जम्वाल ने जताई खुशी। फिल्म सूर्यवंशी में एक्टिंग करते दिख सकते हैं धोनी। गुलशन ग्रोवर के सोशल मीडिया पर फोटो शेयर की। फैंस से गैस करने को कहा। गोल्डमैन बप्पी लहरी ने धनतेरस पर सोने की चेन की बजाय खरीदा गोल्ड टी सेट। कहा मेरे पास गोल्ड का सब कुछ इसलिए अब टी सेट खरीदा। और चलिए वक्त एक ब्रेक का है फौरन लौटते हैं।